आगे बढ़ते हैं और मंदसौर से हमारे साथ प्रांजल जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रांजल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास ना अडानी टोटल गैस है 1250 के रेट के 50 शेयर जी, नमस्ते। और एससीआई लैंड एसेट है मैम 100 शेयर 108 रुपए के मैम, तो इसमें जरा जानना चाह रहा था मैम आगे क्या करूं। दूसरा स्टॉक एक बार वापस से रिपीट करेंगे। एससीआई एससीआई लैंड एसेट मैम। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये का किस मैम लेवल पर लैंड लिया था एसेट आपने? करके एक शेयर है जो अभी मैम 198.99 रुपीज जी करीब जी चल रहा है मैम। किस अच्छा, और आपने किस लेवल पर लिया है? 108 पे मैम, अभी इसका 108 का हाई बनाया था मैम इसने, तो वहीं पे लिया है मैम मैंने। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, आप राय दीजिए इन्हें। पहले तो अदानी टोटल गैस पर बात कर लेते हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास, 1250 पर लिया था और स्टॉक में नुकसान में है फिलहाल, ये क्या करें अदानी टोटल गैस में? देखिए, बाजार में गिरावट आई है पूजा, तो मेरे ख्याल से शेयरों में भी गिरावट आएगी जिस प्रकार से बजट को लेकर के। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जो भी कंपनी फॉसिल फ्यूल या फिर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि कॉम्प्रेक्स नेचुरल गैस या फिर बायो नेचुरल गैस वगैरह में काम काज करती है, उनका भविष्य काफी उज्ज्वल लग रहा है। और खपत को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में खपत बढ़ने वाली है। जैसे जैसे तरीके से जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का ढांचा है उसमें सुधार होगा और बहुत सारी उपलब्धियां खड़ी की जाएगी। अडानी टोटल गैस पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और नीतियों के आधार पर कामकाज अच्छा हो सकता है। एससीआई लैंड पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जुड़े थे जिन्होंने सवाल पूछा था एससीआई लैंड एसेट पे, जो कि इस समय 18 के आसपास है। इनकी खरीदारी 108 के आसपास थी जैसा कि इन्होंने हमें बताया, हल्के नुकसान में है। काफ़ी स्मॉल कैप काउंटर है, हम देख सकते हैं कि ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में। तो क्या सलाह देंगे आप, निकल जाएं स्टॉक से या थोड़ी तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं यहाँ पर? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? ये एससीआई लैंड एसेट एससीआई से डीमर्ज हुई कंपनी हुई है, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन के लैंड एसेट थे उसको डीमर्ज करके ये नई कंपनी बनाई गई थी। इसका लिस्टिंग है वो रिसेंटली मार्च में ही हुआ है, तो इसके पास इसका जो चार्ट हिस्ट्री है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लिस्टिंग के टाइम पे इसका रेट था वो करीबन 46-47 के आसपास था, और फिर वहाँ से ये अच्छे रनअप के चलते 108 का इसने हाई बनाने के बाद अभी ये 98-99 पे प्लेस है। और जितनी भी चार्ट की हिस्ट्री है ये हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला बना रहा है, ओवरऑल एक ट्रेंड में है। और ऑन द लोअर साइड हम 34 EMA का सपोर्ट ट्रैक करेंगे जो 83.50 पे है, तो इसी की स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। 108 का रिसेंट हाई क्रॉस करता है तो इसमें फर्दर हायर लेवल्स पे पॉसिबल है।